जोमेटो ने अपने न्यूली लॉन्च ग्रीन फ्लीट को सिर्फ उसके लॉन्च के एक ही दिन बाद बंद कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रीन फ्लीट था क्या और ऐसा क्या हो गया कि इसे लॉन्च के सिर्फ एक ही दिन बाद बंद करना पड़ा। एस पर आइडिया ये ग्रीन फ्लीट बनाया गया था सिर्फ वेज फूड डिलीवर करने के लिए, वो भी सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट से जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल के हिसाब से जब जोमेटो राइडर नॉनवेज फूड डिलीवर करता है तब कई बार खराब पैकेजिंग की वजह से नॉनवेज फूड उसके जोमेटो बॉक्स के अंदर गिर जाता है और बाद में जब वही राइडर उसी बॉक्स को यूज करके वेज आइटम डिलीवर करता है तब उस नॉनवेज फूड का स्मेल उस वेज फूड में रह जाता है। इसीलिए ये ग्रीन फ्लीट इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये ग्रीन फ्लीट सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही डिलीवर कर पाए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसके लॉन्च के सिर्फ एक ही दिन बाद इसे बंद करना पड़ा। राइडर्स के हिसाब से अगर ये ग्रीन फ्लीट लाया जाता तब सारे लोग समझते कि रेड यूनिफॉर्म पहनने वाले जोमेटो राइडर्स सिर्फ नॉनवेज फूड ही डिलीवर करते हैं और इंडिया में हर वक्त कोई ना कोई रिलीजियस फेस्टिवल तो चल ही रहा होता है, वहाँ पे ये रेड यूनिफॉर्म पहनने वाले जोमेटो राइडर्स के लिए मुश्किल हो जाती फूड डिलीवर करना कि सोसाइटी के लोग उन्हें रोक लेते क्योंकि वो लोग नॉनवेज फूड डिलीवर कर रहे होते।